नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं रिया आपके साथ। डिजिटल पेमेंट ऐप्स के जरिए इन दिनों धोखाधड़ी खूब हो रही है। कभी KYC के नाम पे तो कभी पैसा रिफंड करने के नाम पे, तो कभी ईमेल या SMS के जरिए झांसे में आकर ग्राहक अपनी कमाई का सारा पैसा गवा दे रहे हैं। कैसे होता है ये पूरा फ्रॉडगिरी, क्या है प्रोसेस, कैसे आप इससे बच सकते हैं, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। डिजिटल पेमेंट ऐप्स में धोखाधड़ी की खबरों की पिछले कुछ दिनों से बाढ़ सी आ गई है। कभी KYC के नाम पर, कभी पैसा रिफंड पाने के नाम पर, तो कभी फिशिंग ईमेल या फिर SMS के जरिए और इसी के झांसे में आकर ग्राहक अपनी गाड़ी कमाई का पैसा गंवा दे रहे हैं। ज्यादातर मामलों में UPI या पेमेंट गेटवे कंपनी द्वारा सही रिस्पांस नहीं मिलने और जानकारी के अभाव में पीड़ित कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाते। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के इस समय में ये घटनाएं लोगों का मनोबल तोड़ रही है। हालांकि थोड़ी सी जागरूकता के साथ अगर ग्राहक कुछ बातों का ध्यान रखे तो वे डिजिटल पेमेंट ऐप्स के जरिए होने वाले इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं पेमेंट ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी से किस तरह से हो रही और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस प्रकार के फ्रॉड में हैकर ग्राहक को बोगस ईमेल या फिर SMS लिंक भेजते हैं। ये लिंक बैंकों के लॉगिन पेज और मोबाइल ऐप्स के लिंक की तरह होते हैं। ग्राहकों को इन लिंक्स पर क्लिक करने के लिए कैशबैक या रिफंड का लालच दिया जाता है। साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांकला बताती है कि ग्राहक जब इस पर क्लिक करके अपनी जानकारी डालता है तो वह हैकर के पास चली जाती है। इसके बाद हैकर आपको करेक्ट वेबसाइट पर इन वैलिड मैसेज के साथ रिडायरेक्ट कर देते हैं। वही मोबाइल ऐप पे सर्वर इश्यू या फिर इंटरनेट कनेक्शन का एरर दिखाया जाता है। वहीं जब हैकर ग्राहक से ऐप इंस्टॉल करवाते हैं तब हैकर द्वारा मोबाइल की लाइट, SMS कॉल और कॉन्टैक्ट आदि की अनुमति लेने के लिए भी कहा जाता है। अनुमति मिलते ही आपके SMS कॉन्टैक्ट और कॉल रिलेटेड डेटा सहित सबकी आपकी जो निजी जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस टाइप के फ्रॉड में धोखेबाज फोन पर आपसे आपकी निजी जानकारी पूछता है। धोखेबाज बैंक या फिर UPI या पेमेंट गेटवे साइट का प्रतिनिधि बनकर KYC अपडेट या फिर अन्य किसी व्यवहारिक कारण के लिए ग्राहक को कॉल करता है। इसमें वे ग्राहक से निजी जानकारी लेते हैं जिससे पिन या फिर पासवर्ड मालूम किया जा सके। इस समय पेटीएम में KYC के नाम पर धोखाधड़ी के मामले सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। इसमें धोखेबाज खुद को पेटीएम कस्टमर केयर टीम का बताकर ग्राहक को कॉल करता है। वह ग्राहक से पेटीएम सर्विस को जारी रखने के लिए KYC कंप्लीट करने के लिए कहता है। इसके लिए वह ग्राहक से इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी कहता है। इसी ऐप के जरिए हैकर ग्राहक की जानकारी चुरा कर उसका पेटीएम अकाउंट खाली कर देता है। ऐसी घटनाओं में ग्राहक के मोबाइल पर पेटीएम के नाम से पहले एक SMS भेजा जाता है जिसमें कहा जाता है कि हम कुछ समय बाद आपका पेटीएम अकाउंट होल्ड कर देंगे, अपने पेटीएम KYC को पूरा करें। ग्राहक को इस तरह के किसी भी झांसे से सावधान रहने की आवश्यकता है। पेटीएम ने स्वयं इस संबंध में चेतावनी भी जारी की है। यहाँ आपको बता दें कि पेटीएम में KYC अधिकृत KYC पॉइंट पर जाकर ही की जाती है या फिर पेटीएम का प्रतिनिधि स्वयं ग्राहक के घर आकर KYC करता है। पेटीएम कभी भी SMS या फिर कॉल के जरिए KYC नहीं करता। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि पैसे लेने के लिए कभी भी भूल कर भी UPI पिन नहीं डालना होता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट का मैसेज भेजा है वह आपसे पैसे मांगना चाहता है। अगर आप पे क्लिक करके UPI पिन डाल दोगे तो पैसे सामने वाले के अकाउंट में चले जाएंगे। दूसरी तरफ से देखें तो अगर आपको किसी से पैसे चाहिए तो आप उसे रिक्वेस्ट का मैसेज भेजें। यहाँ बता दें कि अगर आपको कोई पेमेंट ऐप के माध्यम से पैसे भेज रहा है तो आपको कहीं भी UPI पिन डालने या फिर कहीं भी टैप करने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। और कुछ इस महत्वपूर्ण जानकारियों के जरिए आप फ्रॉडगिरी से बच सकते हैं। इसके अनुसार अपने आसपास यानी कि अपने पास आने वाले किसी भी SMS या फिर ईमेल या पॉपअप को अच्छे से पढ़ें। OTP, सिक्योर कोड, ID और रिक्वेस्ट के अंतर का भी ध्यान रखें। हमेशा ऐप इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर का यूज करें और कंपनी के लोगो और स्पेलिंग को चेक कर लें। किसी भी ऐप को अनुमति जरूरत के अनुसार ही दे या फिर वन टाइम अलाउ ही करें। कैशबैक या रिफंड होने वाली स्कीमों से दूर रहें। फ्रॉड हो जाने पर आप इस तरह के कदम उठा सकते हैं जो इस प्रकार हैं। फ्रॉड हो जाने पर बैंक और UPI को कॉल करें ताकि पेमेंट को फ्रीज किया जा सके या फिर रिफंड किया जा सके। किसी साइबर एक्सपर्ट की मदद लें और मामले की FIR दर्ज भी कराएं।
इसके बाद पेमेंट ऐप्स में धोखाधड़ी को कम करने लेकर प्रिया सांखला का यह भी सुझाव है कि सरकार और बैंकों को UPI पर तुरंत निकासी की सुविधा को हटाना चाहिए ताकि पीड़ित को रिकवरी का समय मिल सके। इनमें दूसरा ये है कि पेटीएम, फोन पे और भीम UPI आदि पर भी साइबर सेल को एक्टिव रखकर पुलिस को कार्रवाई के लिए मदद करनी चाहिए। सांखला के अनुसार 70% मामलों में UPI ऐप या कंपनी समय पर मदद नहीं करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल नेशन भारत पर बने रहे। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।